वेलकम स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन की डाउट श्रृंखला का चौथा वीडियो ये। इसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कार्ड डिफरेंशिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव एंड चेन रूल और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की मदद से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी चर्चा होगी। 10 क्वेश्चन मैंने लिया है, 36 to 45 ईजी लेवल है। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही ये जैसे कि लेवल वन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेवल वन है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेवल टू डाउट फाइव में मैं बताऊंगा। तो आइए 36 साइन इनवर्स टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन मैं करने जा रहा हूँ। याद होगा आपको कि साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1/√1 − x². दो बातें यहाँ याद रखनी है। पहली बात कि साइन वर्स के साथ जो होगा वही नीचे होना चाहिए। साइन वर्स के साथ जो होगा, अगर साइन वर्स के साथ यू है तो नीचे यू होना चाहिए, तब 1/√1 − u². अगर साइन वर्स के साथ टेन एक्स है तो नीचे टेन एक्स होना चाहिए और तब 1√1 − tan² तो यहाँ साइन वर्स के साथ टेन एक्स ना है तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ टेन एक्स है तो नीचे में टेन एक्स होना चाहिए और ये टेन ऊपर जाएगा टेन एक्स। फिर साइन वर्स का 1/√1 − जो भी है साइन वर्स के साथ उसका स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो भी रहता ऐसे ही लीजिए ना। इसमें 37 क्वेश्चन, 37 कॉस इनवर्स रूट एक्स इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। फिर कॉस इनवर्स वाला भी फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, इसका भी साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, बस माइनस लग जाता है −1/√1 − x², लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि कॉस इनवर्स के साथ जो है वो नीचे। एक्चुअली साइन वर्स से लेकर कोसेक इनवर्स तक सबका ये शर्त है कि इनके साथ जो भी व्यंजक रहेगा इनवर्स के साथ वो पूरा का पूरा नीचे लिखते हैं, और तब ये कॉस इनवर्स का −1/√1 − x². तो यहाँ भी डी कॉस इनवर्स रूट एक्स नीचे में हो गया डी रूट एक्स, रूट एक्स को ऊपर ले गए और फिर कॉस इनवर्स का −1/√1 − जो भी है उसी का स्क्वायर और रूट एक्स का 1/√x। तो डिफरेंशिएशन से ये क्या आया, −1/√√x पहले ये वाला और तब ये वाला 1 − x, आंसर हो गया 37। 38 टैन इनवर्स एक्स क्यूब, टैन इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टैन इनवर्स जो एक्स क्यूब है वो पूरा का पूरा नीचे आया, टैन इनवर्स एक्स क्यूब है तो नीचे एक्स क्यूब, फिर डी एक्स क्यूब बटा में डी एक्स, फिर टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + ध्यान दे रहे हैं, अच्छा सूत्र मैंने नहीं ना बताया, टैन वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, यहाँ मैं मिटा के लिख रहा हूँ, वो सेट ये भी मिट गया, −1/√1 − x, अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x². टैन इनवर्स अगर u रहे तो नीचे में डी यू आगा 1/1 + u² कॉस इनवर्स का भी यही होता है, बस माइनस लग जाता है। जैसे साइन वर्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स में होता है माइनस लगा के, वैसे ही टैन वर्स का डेरिवेटिव कॉट इनवर्स में होता है माइनस लगा के। तो खैर यहाँ टैन वर्स ही है 1/√x³ और फिर x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 3x² / 1 + √ होता है 6 हो गया आंसर, 38 हुआ। 39 की बात कर लेते हैं,
39 है साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन वर्स कॉस एक्स। जरूरी नहीं कि जो मिले जैसे वैसे डिफरेंशिएट करते जाइए, थोड़ा सा आगे चले रूप बदलते हैं इसका। हम साइन वर्स कॉस के बदले हम साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दें। पूछेगा क्यों, तो उसका जवाब ये है क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, इसलिए कॉस एक्स के बदले साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हुआ साइन वर्स साइन ख़त्म हो गया तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। तो अब हम लोग पाई बाई टू माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जो नया आया है उसको करेंगे। तो पाई बाई टू तो संख्या है, संख्या का जीरो, माइनस एक्स का वन आंसर, यानी केवल माइनस वन हुआ आंसर हुआ। 40 नंबर में है आपका साइन वर्स टैन रूट एक्स, साइन वर्स टैन रूट एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ तो कर लिए थे साइन वर्स कॉस एक्स था तो कॉस साइन में बदल गया, मगर टैन थोड़ी ना बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसको सिंपल प्रक्रिया से, दोनों क्वेश्चन जानबूझकर मैंने एक ही साथ लिया ताकि आपको बताने के लिए कि ऐसा हमेशा नहीं तुक्का आएगा, ऐसा कभी कभी आता है। ऐसा पाई बाई टू माइनस एक्स वाला फॉर्मूला साइन कोस में होता है, टैन कोट में होता है, सेक कोसेक में होता है, तो वहाँ होगा, सब जगह नहीं होगा। तो साइन वर्स टैन रूट एक्स, अब यहीं पर साइन वर्स टैन रूट एक्स है। तो नीचे में टैन रूट एक्स आया, नीचे वाला ऊपर, टैन रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स, और फिर डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। फिर तो साइन वर्स का वन बाई अंडर रूट वन माइनस टैन रूट एक्स का स्क्वायर, टैन का सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स आंसर हो गया हम लोग का। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। 40 हुआ, अब चलिए मैं 41 की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। टैन वर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इनवर्स और पावर दोनों एक साथ, तो टैन इनवर्स एक्स का होल पावर टू। पावर वाला नियम क्या है कि पावर छोड़कर, देखिए इनवर्स भी है पावर भी है, लेकिन डी के पास कोष्टक है ना, कोष्टक पर पावर है, तो पावर पहले है, पहले पावर का फॉर्मूला लगेगा। और पावर का रूल ये है कि पावर छोड़कर पूरा बेस नीचे लिखते हैं, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, वन बटा में टैन इनवर्स एक्स का स्क्वायर क्या होगा, टू टैन वर्स एक्स का होल पावर वन, और टैन वर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हम लोग। फिर तो टू टैन इनवर्स एक्स बटा में वन प्लस टू टैन वर्स एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ हम लोग का टू टैन वर्स एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। 41 का हुआ, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। 41 के बाद 42 साइन वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये याद होगा आपको ना, तो ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स का। नहीं याद है तो डिटेल में चलिए, अगर याद हो तो ये फॉर्मूला होता है, और फिर कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और नहीं याद हो तो आप डिटेल में चलेंगे कि साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर डी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे में डी वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना डी वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला वन बाई अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर रूट का वन बाई टू रूट, थोड़ा लंबा होगा मगर कैलकुलेट होकर के वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जीरो माइनस टू एक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने से, या मेरे पर छोड़िएगा। तो ये वन बाई अंडर रूट वन माइनस,
स्क्वायर रूट खत्म होगा आपस में, माइनस अंदर आकर के माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन बाई ये टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस टू एक्स, जिसमें टू टू कैंसिल हुआ, वन वन भी आपस में कैंसिल हुआ, ये केवल माइनस वन बचा, ये एक्स स्क्वायर के लिए एक्स हुआ, ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स हुआ, और ये एक्स 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 कैंसिल हुआ, एक्स और एक्स कैंसिल हुआ, सो माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका 41, हाँ नहीं 42। आइए अब इसके आगे, सिंपली 43 कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के, और साइन इनवर्स इसका भी उसी तरह से दो तरीका से आप कर सकते हैं, एक तो ये हो गया कि साइन इनवर्स बराबर वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक डायरेक्ट करते हैं जैसे पिछले सवाल में ने किया 43 के बाद। 44 इसका भी दो तरीका से, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक तो बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स के, तो तुरंत कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला से कि वन बटा में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस ला के माइनस वन बटा में एक्स अंडर रूट, इसको लोग कुछ लोग मोड ला के लिखते हैं, कुछ लोग बिना मोड के लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया, डायरेक्टली भी चल सकते थे आप। और उसी तरह से 45 आपका हो गया टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता है सेक इनवर्स एक्स के बराबर, तो डी सेक इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, वन बटा में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। थैंक यू ऑल, बाकी अगले क्लास में डाउट फाइव में किस तरह की चर्चा होगी, तो चेन रूल की ही चर्चा होगी, चेन रूल्स के ही मदद से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेवल 3, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको नहीं, ये लेवल 2 होगा, ये लेवल वन हुआ, तो अगला लेवल 2 होगा, जो भी लेवल होगा, हाँ लेवल 2 होगा, इसके पहले लेवल 1 मैंने बताया था, ये लेवल 2 हुआ, और डाउट 5 में लेवल 5 होगा, जो भी हो लेवल कोई भी हो। थैंक यू ऑल।